वेलकम टू फूड टाइम इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी डिश जिसे हम मटन पाया कहते हैं, जो बहुत टेस्टी बनती है। और आप मेरी ये डिश को ज़रूर ट्राई करें, और आपको जो भी फीडबैक देना है मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन पाया की रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कि मटन पाया किस तरह बनाया जाता है और उसे किस तरह क्लीन किया जाता है। यहाँ पर हमने आटा लिया है और इस तरह से थोड़ा सा मटन के पाए के पीसेस को आटे के अंदर अच्छी तरह से इस तरह से सभी आटे के को कोट कर लेंगे हम एक एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से। इससे क्या होगा, जितने भी इसके ऊपर बाल होते हैं सारे के सारे आसानी से हट जाएंगे और ये धोने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से मटन के पाए को क्लीन किया जाता है। हम सभी पीसेस को इस तरह से आटे में कोट कर लेंगे और फिर इसके बाद उसे वॉश करेंगे। इस तरह से हम सभी पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी में इसे भिगाएंगे और फिर आटा उसके ऊपर लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। आप इसके लिए जवारी का आटा या गेहूं का आटा दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जवारी का आटा इसके लिए यूज करें। अब इस तरह से हम प्रेशर के नीचे अच्छी तरह से इसे एक एक पीस को धोएंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जितने बाल और जितना भी रहेगा सब कुछ अच्छी तरह से निकल कर क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हुआ है। इसी तरह से हम सारे पीसेस को वॉश कर लेंगे। हमने सभी वॉश किए हुए पाए को डाल दिया है और इसके ऊपर दो कटी हुई प्याज डाला है और ये हमने आधा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 ग्लास पानी जाएगा इसमें, 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, यानी कि हमने इसमें पूरा 2.5 ग्लास पानी डाला है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसे आधे घंटे तक हम गैस के ऊपर रखेंगे। पहले 10 मिनट हम फुल फ्लेम पर रखेंगे और बाकी का टाइम हम इसे कम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसमें थोड़ा सा खोपरा, भिलावे के चिरौंजी और खसखस डाला है और इसे पीस लिया है। हमने तमाम सामान इतना लिया है कि वो 1 टेबल स्पून इतना हो जाए। अब हम इसे पानी डालकर बारीक करेंगे। इस तरह से हमने पानी डालकर मसाले को बारीक पीस लिया है। साथ ही में हमने यहाँ पर 8 डली प्याज दिया था, छोटी वाली थी मीडियम साइज की, इसे कट करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है। हम ये भी पाए की ग्रेवी में यूज करेंगे। हम इसे भी एक जार के अंदर डालकर पीस लेंगे, लेकिन हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करते हो तो इसका जो गोल्डन कलर है वो फेड हो जाता है, जिससे ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आता। तो ये ध्यान रखें आप कि इसके अंदर आप पानी यूज नहीं करेंगे और ड्राई जार के अंदर आप इसे पीसेंगे। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं पूरा मटन पाया जो है अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरह से देखिए मोटा मोटा हमने सभी प्याज को पीस लिया है। हमने बर्तन के अंदर ऑयल डाला है और वही तला हुआ ऑयल है, इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून। अरे अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। हमने तेल का वो ऑयल लिया है, हमने जो प्याज हमने जिसमें भूनी थी तली थी सॉरी वही तेल में हम ग्रेवी बना रहे हैं पाई की। साथ ही में हम इसमें ऐड कर
करेंगे शान का पाया मसाला 2 टीस्पून। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। पाए की ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती है, बहुत पतली होती है, वो जितनी पतली हो उतनी टेस्टी लगती है, तो हम ज्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गला हुआ पाए विद सूप। सूप के साथ इसे पूरा ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसे 2-3 मिनट भूनेंगे। इसी के अंदर हम अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इस तरह से हम पाए का मसाला और गले हुए पाए को अच्छी तरह से भून लेंगे एक साथ। देखिए इसके अंदर अच्छी तरह से तेल आ गया है ऊपर। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, हमने वही प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाला था सादा, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और आपको जितना शिरवा चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड करें। मिक्स करेंगे, देखिए ये काफी पतला है, इसी तरह यही होना चाहिए, ये गाढ़ा नहीं होता है, इसके लिए हम इसे पतला ही रखेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऊपर से प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा था, जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। आपको बहुत मोटा मोटा नहीं बल्कि मीडियम पीसना है इसे। हम सभी प्याज को इसके अंदर मिक्स करेंगे और ऊपर से मिला देंगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और नमक ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा चक्कर चेक कर लें कि ग्रेवी में कुछ कम है क्या। ये स्टेज पे आप इसके अंदर और गरम मसाला, स्पाइस के लिए और गरम मसाला और नमक आराम से ऐड कर सकते हो, और चाहे तो आप और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लें और उसे भी ऐड करें। ये देखिए ग्रेवी का कलर। ऐड करेंगे हरा धनिया बहुत सारा, यानी कि हमने इसमें 1/2 बंच लिया है हरे धनिए का जो हमने ऐड किया। मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएंगी। ग्रेवी में बॉईल आना शुरू हो गया है, ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है, और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ नली निहारी की रेसिपी भी शेयर करूंगी जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, और अभी ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई। और साथ ही साथ आपको ये बात बताती चलूँ कि आप मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सभी मसालों को आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, इसके लिए आपको अगर मिर्ची ज़्यादा लगे तो आप कम कर लें। और आपको मेरी ये रेसिपी उम्मीद है कि पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।